इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर, कॉलेज रोड, रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर, नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के एसएफ मैदान में आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हम आपको बता दें, रीवा में गांधी परिवार के इसके पूर्व सभी लोग आ चुके हैं, फिर चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी, उनके पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, सारे के सारे लोग रीवा आ चुके हैं किसी न किसी समय। प्रियंका गांधी ने आज एसएफ मैदान में अपनी सरकार बनने पर गारंटी की बात कही। उनका कहना था, हम वादे नहीं कर रहे, हम गारंटी देंगे, जिस तरीके से हमने कर्नाटक में दी है, कर्नाटक में हमने उसको लागू किया है, वैसा कुछ मध्य प्रदेश में भी होगा। उन्होंने कहा, जो सरकार काम नहीं कर रही उस सरकार को बदल देना चाहिए, हम काम नहीं करते तो हमें भी बदल दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज की सबसे बड़ी समस्या आवारा मवेशियों को हैंडल किया है, अगर ये काम पूरे देश में हो तो एक बड़ी समस्या से निजात मिल सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौशाला बनाई, वहाँ पर समूह के माध्यम से महिलाओं को काम दे दिया, अब महिलाओं की इनकम हो रही है, गोबर खरीदी उन्होंने प्रारंभ की, लोग आवारा मवेशियों को घर पर रखने लगे। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपके आपका मामा हूँ, घबराओ मत। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ, घबराओ मत। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है, मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है, कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनका उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार, कहां सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। कि यहाँ 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, आपके क्षेत्र की तरक्की हुई है कि उपेक्षा हुई है? उपेक्षा हुई है। यहाँ ये सच है कि कुपोषण है, बेरोजगारी है और बहुत ज्यादा गरीबी है, सच है। अन्ना जानवर का यहाँ पे की समस्या है या आवारा पशु की? अच्छा, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी समस्या है, मुझे याद है वहां पे रात को बैठना पड़ता था पहरेदारी खेती की करने के लिए। यहाँ भी करते हो? दिन में महिलाएं जाती हैं खेत में, बहनें जाती हो खेत में दिन में पहरेदारी करने,
और फिर घर आके खाना पकाना, घर में मेहनत करना, सबकी बच्चों की परवरिश करना, ये भी करती हैं। और रात को आप जाते हैं पहरेदारी करने के लिए। अब आप बताइए मुझे कि ये जो भाजपा की सरकार 18 सालों से आपने बनाई हुई है यहाँ, इसने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्या बात है, ये जानते नहीं है कि क्या समस्या है आपकी? कि जानते हैं, जानते तो हो गए भैया, क्योंकि मैं खुद 6 सालों से यूपी में चीखती चिल्लाती इस समस्या को हर सभा में उठाती थी, हर सभा में, मीडिया पे भी आता था। तो वहां है तो यहां भी होगी, इतना तो जानते होंगे। इतनी तो मेरे ख्याल से अंधकार में या इतनी अंधी सरकार तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? है। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। आपको याद होगा पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की, हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी, और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ कर किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने। और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला, और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आपके पैसे गवा दिए इन्होंने, तो आप क्या करेंगे? हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें हमारे प्रदेशों में जहां पे हमारी सरकार है वहां इस पुराने पेंशन की स्कीम को लागू कर रही है। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश लें, चाहे आप राजस्थान लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ को देखें, तीनों में कांग्रेस की सरकार है और पुराना पेंशन लागू है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जनता की भलाई है, कर्मचारी 20 साल काम करता है उसका हम आदर करते हैं, उसकी ये मांग है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं है इसके लिए। आवास का पैसा नहीं मिलता? आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार है उन्होंने घोषणा की है कि अगर फिर से सरकार हमारी वहां बनेगी आवास बनाएंगे गरीबों के लिए। तो मैं कह रही थी अम्मा आप फिक्र मत करो, अपना वोट सही ढंग से दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, उस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 16,000 करोड़ रुपए के दो हवाई जहाज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए खरीदते हैं। किसके पैसों से? किसके पैसों से? अपनी जेब से निकाले। वो तो कहते हैं कि वो क्या नाम है, फकीर है। सरकार ने दिए, सरकार ने उनके लिए खरीदे। मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं की। भाई
कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। कहते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी बड़ी जो बीएचसीएल, एचएएल, अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता। कांग्रेस ने हमेशा आपके अधिकारों की बात की, ये कभी नहीं किया, कहा कि आपको हम दे रहे हैं, आपको हम दान दे रहे हैं। कभी नहीं ये बात किसी भी बड़े नेता से, कांग्रेस के नेता के मुंह से नहीं निकली। बात ये निकलेगी, आपका अधिकार आपको मिला, पट्टे आपको इंदिरा जी ने दिए, क्यों? जानती थी आपका अधिकार है, जमीन पे काम करने वाले आप हैं। शिक्षा अधिकार कांग्रेस की सरकार ने क्यों दिया? आपका अधिकार है। लोकतंत्र में शर्म होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा अनपढ़ रहे तो। भोजन का अधिकार बनाया कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में जो खाली पेट सोए। सबको अधिकार है कि कम से कम एक दिन का भोजन मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने यही असूल सिखाए थे हमको, वही रामायण के असूल। महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी वो जमीन पे गिरे, क्या कहा, क्या निकला उनके मुंह से? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी की पूरा जो जीवन था उनका पूरा जो शरीर था, जो जीवन था, उन्होंने उन्हीं असूलों पे उस जीवन को बिताया, उस जीवन को जिया उन्हीं असूलों पे। इसीलिए जब गोली लगी, आप सोच सकते हैं किसी को गोली लगती है क्या निकल सकता है मुंह से, चीखेगा, चिल्लाएगा, उनके मुंह से निकला हे राम। और उन्हीं की परंपराओं से ये कांग्रेस पार्टी बनी है, उन्हीं के असूलों से ये कांग्रेस पार्टी बनी है। आजादी के लिए लड़े हैं, खून बहाया है, मेरे पिता ने बहाया, मेरी दादी जी ने बहाया, क्योंकि इस देश के लिए कुछ भी कर डालते हो, क्योंकि ये देश प्यारा था। और देश प्यारा तभी होता है जब जनता प्यारी होती है। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।